क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। 7.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। पहले था क्या, मल्टीप्लाइड, अभी था डिवाइडेड। हमको डिवाइड करना है, डिवाइड करना मतलब हटाना है, ठीक है, टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए, तो परफेक्ट क्यूब के लिए सबसे पहले परफेक्ट क्यूब चेक कर लेते हैं, बाद में डिवाइड करने का प्रोसेस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 81 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमको पता चल जाएगा कि क्या हटाना है या क्या ऐड करना है। अभी इधर मल्टीप्लाई करना होता तो 1, 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, 3 का ग्रुप, तो 1 तो 3 का ग्रुप बन गया और 1 एक्स्ट्रा 3 है, तो 3 × 3 2 बढ़ा देते तो हमारा मल्टीप्लाई करके हो सकता है। लेकिन यहाँ डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हियर प्राइम फैक्टर 3 हैव मेड वन ग्रुप इन ट्रिपल। एक ग्रुप तो ट्रिपल का बना दिया, बट सेकेंड ग्रुप इज नॉट इन ट्रिपल। लेकिन सेकेंड जो है ट्रिपल का ग्रुप नहीं है, सिर्फ 1PC3 है, तो 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे समझ में, इफ यू डिवाइड द नंबर बाय 3, यदि इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कोसेंट विल नॉट कंटेन द अनग्रुप्ड 3। तो उसमें क्या होगा कि अनग्रुप्ड 3 जो होगा वो नहीं रहेगा, ठीक है, अनग्रुप 3, क्योंकि ये अनग्रुप 3 जो है यही हमारा प्रॉब्लम है, इसको डिवाइड करके हटा देने में फायदा है। तो 81/3 = 81/3 क्या होता है, 27 होता है, और यहाँ क्या है, 3 × 3 × 3 × 3 4×3 है, बाय 3 से डिवाइड करना है, बाय 3 लिख दिए, 3 और 3 कैंसिल हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में, 3 का फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, 128 को सेम टू सेम कीजिए, 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 2 हैव मेड 2 ग्रुप इन ट्रिपल। ट्रिपल का 2 ग्रुप बनाया, लेकिन 1 जो है एक्स्ट्रा जो है एक रह गया है, सो 128 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। 1 2s हैव नो ग्रुप, 1 2 जो है उसका कोई ग्रुप है ही नहीं, नहीं है इसका एक ग्रुप, सो 128 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। इफ यू डिवाइड द नंबर बाय 2, यदि इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, टोटल ट्रिपल के ग्रुप में आ जाएगा। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कोसेंट विल नॉट कंटेन द अनग्रुप्ड 2। 2 का अनग्रुप 2 जो है वो कंटेन नहीं होगा। इतना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कोसेंट विल नॉट कंटेन द अनग्रुप्ड 2, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू डिवाइड द नंबर बाय क्यू बाय 2, 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि इट विल बिकम द परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या ऐसा ये भी सही है कि जो कोसेंट है, कोसेंट में 2 रहेगा ही नहीं, डिवाइड से कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो 128/2 = 64, 2 से 2 डिवाइड हो गया, देयरफॉर स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 135 को सेम टू सेम कीजिए, 5 को हटाना है, 5 से डिवाइड करेंगे, अनग्रुप 5 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 192 का सेम टू सेम कीजिए, ठीक है, तो इफ़ यू डिवाइड द नंबर बाय 3, 3 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि देन इट विल बिकम द परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर दिए, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 रह जाता है, ठीक है। लास्ट क्या है, 704 का सेम टू सेम करते जाइए, इसमें 11 जो है एक्स्ट्रा बच गया, तो 11 से यदि डिवाइड कर देंगे तो इट विल बिकम द परफेक्ट क्यूब, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आ गया समझ में।